नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई का एक डीपी वर्ल्ड के नाम से बहुत ज़्यादा ऑफर लेटर चल रहे हैं, आपने देखा होगा। और इतनी उनके पास इतनी तो जॉब होती है, किसी भी प्रकार की जॉब ले सकते हैं आप। और इतना फास्ट वो काम करते हैं, तुरंत प्रभाव से वीज़ा देना है, तुरंत प्रभाव से ऑफर लेटर देना है, वीज़ा नहीं देना, वीज़ा तो बाद में देंगे वो। और तनख्वाह बता दूं कि चार चार लोगों को, दो दो लोगों को, तीन तीन लोगों को जो तनख्वाह मिलती है वो आपको अकेले बंदे को तनख्वाह दे देते हैं। तो भाई आप समझ सकते हैं उस जॉब में आप लोग कितना जाना चाहोगे एक बंदे के पास। ये कॉन्टैक्ट कैसे होता है? ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट होता है। जी हाँ, एक पता नहीं ये लोग एजेंट हैं, मुझे लगता है इंडिया में ही है, कहीं कोई बाहर की कंट्री में नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये पैसा लेते हैं अकाउंट में तो इंडियन अकाउंट नंबर देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ड्राइवर का एक बंदे के पास ऑफर लेटर भेज दिया गया इंडियन लाइसेंस नंबर से, सैलरी पता है क्या? 3660 रुपये। जी हाँ, 3660 रुपये इंडियन लाइसेंस से दुबई में सैलरी है। आप बताओ जी, 3600 सैलरी कोई की है दुबई में इंडियन लाइसेंस से? कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सीधा ऑफर लेटर बंदे को दे दिया गया है। बंदे को ये बताया कि अभी आप मात्र 8200 रुपये आपको अकाउंट में डालने हैं, जैसे आप डाल दोगे तो आपको हम वीज़ा और टिकट देंगे, आप दुबई आ जाओ, दुबई में आपका वीज़ा लग जाएगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से बताया गया कि बंदे को निकल के अपने ननिहाल जाना है, नानी नाना के पास में, समझ गए बात को। तो बंदे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, फिर उसको ऑफर लेटर देखा तो दिमाग चकरा गया भाई। आपको भी ऑफर लेटर देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, ऑफर लेटर आपको दिखा देते हैं। ये ऑफर लेटर है जी, सॉफ्ट कॉपी है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, मुलायम मुलायम है। 8000 रुपये का खर्चा है इसमें, और ऑफिशियल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इसमें दिया गया, आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम उसमें, एड्रेस वगैरह सब कुछ है। अभी हालांकि एड्रेस ये फर्जी होता है, ये मानते हैं हम, इस एड्रेस पे अगर कोई बंदा जाता है तो नहीं मिल पाता। ये दुबई वालों को नहीं बेवकूफ़ बनाते, वो इंडिया वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ वहाँ तो कार्रवाई हो जाती है, इसलिए इंडिया लोगों के बना देते हैं। देखो डेट 26/6/2021 का, बंदे का नाम दे दिया, पासपोर्ट नंबर दे दिया, ऑफर एम्प्लॉयमेंट देख लो भाई। ड्राइवर, जी हाँ, ड्राइवर का जॉब है 13 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपका ये वीज़ा रहेगा, 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा इसमें दे दिया। समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स देख लो भाई, 3660 दराम आपको बेसिक सैलरी रहेगी, पर मंथ आपको रिटर्न, आपको सैलरी रहेगी, आपको रिटर्न टिकट भी मिलेगी 2 साल के बाद में। जी हाँ, ड्यूटी रहेगी इसमें देख लो, सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, सैटरडे टू थर्सडे। फ्री अकोमोडेशन, फूड, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस सब कुछ फ्री मिल जाएगा। खाना सही दिए समझ सकते हैं 4000 के करीब आपको इसमें तनख्वाह रहेगी। 60 डेज आपको पेड वेकेशन रहेगा, 2 ईयर्स की छुट्टी रहेगी। जी हाँ, ये समझ गए होंगे आपको, यानी 2 साल में 60 दिन तक आपको सैलरी के आधार पर घर भेज दिया जाएगा। और देखो नीचे कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ इस तरह से अप्रूव करके आराम से बढ़िया तरीके से बना के बंदे को दे दिया। अब आपको क्या लगता है जी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो ड्राइवर में इतनी तनख्वाह मिलती है क्या? $3660 यानी 3700 आप मान सकते हैं, और आपको खाना भी मिल जाएगा तो 4000 रुपये इंडियन लाइसेंस से। दूसरी बात, 8200 रुपये डाल दो, आपको हम वीज़ा और ऑफर लेटर देते हैं, क्या है ये? अब बंदे आराम से झांसे में, यार इतनी तनख्वाह, नए बंदे को, 3 बंदों को इतनी तनख्वाह देती है दुबई में, समझ गए बात को। यहाँ अकेले बंदे को 4000 मिल रहे हैं, वहाँ 3 बंदे को 3-4000 रुपये मिलते हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादा तनख्वाह देने का मतलब ये नहीं होता वो सही है, सावधान रहने की ज़रूरत है। सोचे समझे चेक करें डॉक्यूमेंट, फिर आगे के आप एक्शन लें, वरना जो पैसे दिए, अब ये बंदा 8200 दे देता गया ना इसका, लेकिन ये नहीं दिया, बच गए इसके। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।